सैलरी 6,000, 3.5 करोड़ टैक्स का नोटिस। अपने दस्तावेजों को लेकर रहिए अलर्ट। एक प्राइवेट कंपनी में 6,000 रुपए की नौकरी करने वाले भिंड के रवि गुप्ता के तब होश फाख्ता हो गए जब उन्हें 132 करोड़ के ट्रांजैक्शन के एक मामले में इनकम टैक्स ने 3,49,00,000 का टैक्स नोटिस भेज दिया। नोटिस लगभग 10 महीने पहले आया और टैक्स भरने की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2020 है। नोटिस आने के बाद से रवि लगातार दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसकी शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो मेरी कंप्लेंट कहीं भी नहीं ली गई है, तो कोई बोलता है मुंबई में कंप्लेंट होगी, कोई बोलता है आपकी MP में कंप्लेंट होगी, कोई बोलता है ग्वालियर होगी, कोई बोलता है पंजाब रहते तो पंजाब में होगी, तो ये कंप्लेंट नहीं ली गई। तो फिर मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट के जरिए अपनाया, ऑनलाइन कंप्लेंट में महाराष्ट्र पुलिस को ही कंप्लेंट की मैंने, और महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ मैंने एक MP पुलिस में कंप्लेंट की। इस पर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, तो मैंने एक DGP को एक मेल किया, SP ग्वालियर, और DGP को एक मेल किया। इस कंप्लेंट पर उन्हें जवाब आया कि ग्वालियर क्राइम ब्रांच इस मामले को देखेगा, लेकिन यहां से भी रवि को निराशा हाथ लगी। देखिए, शासकीय मामला है, प्राथमिक तौर पर इनकम टैक्स विभाग भी इसकी जांच कर रहे होंगे। अभी यहां से इनका इस मामले का कोई संबंध नहीं है, ना ही ये यहाँ के निवासी हैं और ना ही इनके साथ कोई घटना यहां पर हुई है। अतः इनको समझाइश दी गई है कि अपने संबंधित जहां इनका घटना स्थल है या आयकर विभाग के अधिकारियों से मिलकर ये अपनी सक्षम कार्यवाही करें। आप इसे इनकम टैक्स विभाग की कोई गलती ना माने, बल्कि ये मामला फ्रॉड से जुड़ा है। दरअसल मुंबई के मलाड स्थित एक्सिस बैंक में TR ट्रेडर्स के खाते में 2011-12 में 132 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे लेकर ही रवि को ये नोटिस भेजा है, जबकि रवि के खुद के स्तर पर की गई तहकीकात आपको हैरान कर देगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर बेहद सतर्क हो जाएं, क्योंकि रवि का कहना है कि ये खाता उसने नहीं खुलवाया, ना ही इतनी बड़ी रकम का कभी कोई ट्रांजैक्शन किया, बल्कि उस वक्त तो वो महज 6,000 की प्राइवेट जॉब कर रहा था। वो कभी मुंबई गया भी नहीं, बल्कि उसके पैन कार्ड की कॉपी, उसकी फोटो और फर्जी सिग्नेचर से ये खाता खोला गया है। इसमें संबंधित और भी जानकारी एकत्रित की, स्टेटमेंट निकलवाया है बैंक से, तो मुझे उसमें निकल के आए 132 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हुए हैं, और जो कि मेरे द्वारा ओपन नहीं हुआ है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए हैं, वो सिर्फ मेरा पैन कार्ड यूज किया गया है, एक मेरी फोटो लगी हुई है जो कि मैंने यूज नहीं किया है, अकाउंट मैंने ओपन नहीं कराया है। हैरानी इस बात की है कि इस मामले में रवि को खुद ही जानकारियां जुटानी पड़ रही हैं, और अगर उसकी माने तो इस मामले के तार पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े हो सकते हैं। मलाड ब्रांच में अकाउंट ओपन किया गया है, और जो एड्रेस रजिस्टर्ड किया गया है वो लगभग मैंने बहुत गूगल के माध्यम से ये जानकारी एकत्रित की है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल सही है क्या है, गूगल के माध्यम से जानकारी एकत्रित की है। इसमें जो मुझे लगा है कि जो अकाउंट में एड्रेस लिखा हुआ है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो एड्रेस लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये बातें इशारा कर रही हैं कि कहीं ये बैंक और दलालों के बीच की साठगांठ से ऐसे अकाउंट खुलवाकर ट्रांजैक्शन से जुड़ा मामला तो नहीं। सवाल कई हैं, अगर रवि के दस्तावेजों का फर्जी इस्तेमाल हुआ तो बैंक अकाउंट खोलने से पहले बैंक ने कैसे वेरीफाई किया? रवि के नाम से मुंबई के पते पर फर्जी खाता खोला गया, जबकि इस पते से रवि का कोई लेना देना नहीं है। अगर रवि गुप्ता को TR ट्रेडर्स का प्रोप्राइटर बताया गया तो उसके एड्रेस को कैसे कंफर्म किया गया? बैंक के फील्ड वेरिफिकेशन में उसके नाम से पर्सनल कार और गुड्स वैन कैसे वेरीफाई किया गया, जबकि रवि का कहना है कि अभी तक उसके नाम ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े मामले में रवि की शिकायतों को ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुनने को तैयार है और न ही किसी राज्य की पुलिस। ऐसे में पीड़ित कहां जाए? साथ ही ये खबर समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा सबक है कि अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी को लेकर रहें बेहद सतर्क, वरना इनके फर्जी इस्तेमाल से आपकी हालत कहीं रवि जैसी ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, Z Media.